था सफिशियंट मिल गया, इसके बावजूद भी अगर किसी को नहीं, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बबीता ने ऑलरेडी सब कंप्लीट कर दिया। बहानेबाज लोगों के लिए बबीता ने जोरदार तमाचा मारा है मुंबई, क्या मेरे को नहीं लगता उससे बड़ी समस्या किसी के पास होगा। क्यों इसलिए सही बोल रहे हैं ना, उससे ज्यादा तो समस्या नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा, अगर बबीता ज्यादा समस्या, जिसकी मदर 12 दिन पहले डेथ की हो फिर भी वो ट्रेनिंग में है, क्यों? क्योंकि उनको सासु माँ को पता है पैसे की अहमियत, दैट्स व्हाई। आप लोग पॉइंट नहीं समझ पाए। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, माय सेल्फ विशाखा, बिलोंग टू फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर, बायो ऑक्यूपेशन आई एम स्मार्ट वैल्यू एसोसिएट। तो सबसे फर्स्ट में आज इतना शानदार तरीके से द सेंट्रम में जैसे हम लोग एंट्री किए भैया, एक मतलब ऐसी जगह पे यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है कि वहां से आते आते ही इतने सारे फ्लैट दिख रहे थे कि एक विजन क्लियर हो गया, एक सोच बन गई कि आने वाले टाइम पे हम भी ऐसा अपना फ्लैट परचेज करेंगे। और यहाँ पे आने के बाद में आज देखा जाए तो सबसे पहला चीज पहले अचीवर बनने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, ऑलरेडी पिछला साल में सिर्फ मत सिल्वर अचीवर रह चुके हैं भैया, फर्स्ट टाइम पे सिल्वर बने थे। और इस बार जैसे ही पिछला साल नया साल शुरू हुआ तो एक बार जब हम लोग गए थे आगरा ट्रिप में जो है बाई फ्लाइट, तो रिटर्न आकर के आपके होटल में रुके हुए थे, तो वहाँ से बहुत सारा सीख लेकर के गए थे। और सबसे बड़ा चीज़ हम यहाँ पे अपने सभी अप्लाइंट को थैंक्स बोलना चाहेंगे, दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँच पाए। क्योंकि हम एक ऐसे घर से बिलोंग करते हैं जिसका घर में कोई सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ मम्मी पापा मजदूर फैमिली से बिलोंग करते हैं, सिर्फ एक सोच था यहाँ पे जो कि पल पल गाइड किए, सपोर्ट किए, सोच दिए। क्योंकि शायद एक लड़की के लिए मैटर ये नहीं करता कि हाइट क्या है, वेट क्या है, सबसे मैटर ये करता है कि उसकी सोच क्या है और वो सोच करके दृढ़ संकल्प क्या लेती है। यहाँ पे हम थैंक्स बोल लेंगे स्पेशली थैंक्स मिस्टर अंकित भैया जी को, जो कि हमें सोच दे पाए, हर पल सपोर्ट किए और उससे भी ज़्यादा कहीं हर एक समय पे साथ देने के लिए, क्या कैसे मेंटली सपोर्ट हो, फिजिकली सपोर्ट हो, मिस्टर अजय भैया जी, मिस आशा दीदी जी, मिसेस माया दीदी जी, मिस्टर मुरली भैया जी, जो हर एक टाइम पे साथ देते रहे, सपोर्ट करते रहे, जिनकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो मेरे कहने का एक ही मतलब है, जितने लोग भी यहाँ पे हैं, सबसे पहला चीज़ आप अगर सोच सकते हैं तो उसको पूरा भी कर सकते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करता है कि आप अपनी सोच को बड़ा कीजिए, जिस दिन आपकी सोच स्ट्रांग हो जाएगी 110% आप उस लेवल को पा जाएंगे। और उसके साथ साथ में एक चीज़ हमको याद है जी भैया, सॉर्ट नहीं करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, सबसे फर्स्ट में हम एक दृढ़ संकल्प लेते हैं और हम और अंकित भैया मिल करके एक बैठते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि दो दो लोग तो कॉम्बिनेशन नहीं बना पाते हैं अपना एंगुलर मिल करके, हम लोग बैठ करके एक मीट करते हैं, इस वीक अगर 30 डिग्री गया तो नेक्स्ट वीक हम लोग 50 डिग्री कैसे करेंगे, मिल करके बात करते हैं, मीट करते हैं। और उसके साथ में पूरे तरीके से भैया अगर अपना लग जाते हैं, हम उधर में पूरा टारगेट लेकर के काम करना शुरू कर देते हैं। और ये सॉरी भेजने का एक ही रीज़न था कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वाइटिंग करना। और उसके साथ में ये सॉरी कोई मेरा पर्सनल साथ नहीं था, जितनी भी मेरी पूरी टीम है, एक एक एसोसिएट पूरा साथ दिया। और स्पेशली थैंक्स हम बोलेंगे हमारे कौशाम्बी लीडर्स को, जितने भी लीडर हमारे यहाँ पे हैं, वो चाहे रेनू हो, सीमा हो, या राधा हो, मिस शिवानी पटेल हो, रितेश हो, धनरानी शालिनी, जितने लोग भी हैं कौशाम्बी लीडर्स हमारे बहुत ही बढ़िया क्रेडिट बहुत ही अच्छे लीडर हैं और हर एक टाइम पे साथ दिया। जिस ग्रुप को हमने कह दिया कि सुबह 5 बजे ऑफिस पहुँचना है, वो ग्रुप 5 बजे ठंडी में भी सेंटर पहुँच जाता था। जिस ग्रुप को हमने कह दिया है कि आज अर्जेंट नाइट ट्रेनिंग रखी गई है, वो ग्रुप नाइट ट्रेनिंग कहाँ से आ रहा है डोंट मैटर, लेकिन वो भागता चला आ रहा था। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरा जितना भी टीम है, बहुत ही पावरफुल टीम है। और ये चीज़ हम भैया आपसे भी और यहाँ सभी से ऊपर कमिटमेंट कर रहे हैं कि जितना भी हमारा टीम है और 100% हम अपने टीम को भगवान से, हम हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं कि भगवान सबको सक्सेस देना, उसके साथ में मेरी पूरी टीम को जरूर सक्सेस देना। क्योंकि जो टीम अपने घर परिवार को छोड़ करके हम पे बिलीव कर रही है, हम पे भरोसा करके टिकी है सिस्टम में, तो उनका भरोसा हम ऑलवेज बरकरार रखेंगे और उनका हर एक टाइम पे साथ देंगे। कभी भी कहीं पे भी जरूरत पड़ेगी, हर एक टाइम पे उनका साथ देने के लिए, उनके हर एक प्रॉब्लम को सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम समझ के उनके आगे खड़े होंगे। और आज अगर देखा जाए तो स्मार्ट वैल्यू में एक दृढ़ संकल्प, जब पर्ल लेवल करना था तो उसके पहले हम सिर्फ एक चीज़ सोचे थे कि पता नहीं पर्ल होगा भी कि नहीं, क्योंकि एक सिल्वर चीवर को डायरेक्टली पर्ल सोच पाना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन यहाँ पे मिश्रा अंकित भैया जी हैं जो
उनके साथ ही एक ही चीज बोला कि साथ तुमको पर्ल करना प्रेशर भी है कि तुमको कार उतारना, हमारे ग्रुप के लिए कार बहुत जरूरी, कार बहुत जरूरी है। और सिर्फ यही सोच करके एक दृढ़ संकल्प ले लिए थे कि कुछ भी हो जाए दिन रात एक कर देंगे। लॉकडाउन की स्थिति तक में भी हम घर नहीं गए भैया, पूरा उसी तरीके रूम पर आकर के काम किए, जूम मीटिंग के जरिए से, कॉलिंग के जरिए से, और सिर्फ यही सोच लेकर काम किए थे। जबकि एक स्टेज ऐसा भी आया कि मेरी लेफ्ट राइट टीम से इसी साल में 5 डिग्री जमा होना शुरू किया था, एक वीक में 5 डिग्री छह डिग्री। मैंने तुरंत अजय भैया को कॉल किया और एक ही चीज़ का, भैया मुझे हमको ऐसा लग रहा है कि क्या पर्ल होना मुश्किल हो रहा है। तो भैया ने एक चीज़ कहा कि विशाखा ऐसा कुछ नहीं, तुम लगातार कोशिश करो, काम करते रहो, अपना कर्म करो, देखना 110% अगर तुम सोच रही हो पर्ल हो जाएगा, अभी तो समय। और वही दिन सिर्फ वही 2 मिनट बात लेकर के अपने आप में एक जुनून आ गया, एक जोश आ गया कि कुछ भी हो जाए पर्ल बनना है, मतलब बनना ही है, ये एक जिद है। और ये टारगेट अगर पूरा नहीं हुआ तो फिर कोई मतलब नहीं। और एक चीज था बुरा, हमको सबसे ज्यादा आप जब एक बार बोले थे कि जिंदगी में बुरा लगना बहुत जरूरी है, तो एक बार हमको ये चीज बुरा लगा था जब अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ रविंद्र आला में रिकॉग्निशन था, तो करीबन मेरा वही 20 स्टेप घट रहा था पर्ल के लिए। तो हमसे मुरली भैया ने पर्सनली कॉल करके एक चीज़ पूछा कि विशाखा तुम्हारा पर्ल में कितना डिग्री घट रहा है। हमने कहा भैया 20 डिग्री हम कर लेंगे, पक्का कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अजय भैया भी, अंकित भैया भी और भैया ने भी एक चीज़ कहा कि पर्ल नहीं, पर्ल में इसको लेकर करने चाहिए स्टेज में, प्लेटिनम में ही तुम चलोगे। थोड़ा सा लगा कि ऐसा क्यों, जबकि हम खुद बोल रहे हैं कि पर्ल करेंगे मतलब करेंगे, और जिद है, और हमको स्टेज में प्लेटिनम का प्लाकार्ड दिया गया, खुशी नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ दिल में लग गई थी बात कि अब अगर अपलाइन कुछ चीज़ लग गया है कि पता नहीं पर्ल कर पाए कि ना कर पाए, कहीं ना कहीं इस चीज़ का था, तो सिर्फ ये सोच करके करना पड़ गया कि अब पर्ल अचीवर बन नहीं दिखाएंगे, अगर दूसरा प्लाकार्ड लेंगे तो सीधा पर्ल कर लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। बस इतना बात बोल करके क्लोज करेंगे, सभी को एक चीज़ बोलेंगे, ऑलवेज अपलाइन का बात मान करके काम कीजिए, सिस्टम में अपना बिजनेस समझ करके काम कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मैं चाहूँगा अंकित